जेडी अकेडमी मर्चेंट निजामपुर के बीच ये मुकाबला, जेडी अकेडमी वर्सेज बरवाड़ा के बीच ये मुकाबला। तो कल शुरुआत होती हुई पहली रेड जेडी अकेडमी की तरफ से है और बरवाले की टीम बहुत उम्मीदों के साथ, पूरे कलबल के साथ अपना 100% लेकर के आई है, उसका इन्होंने दिखाना भी शुरू कर दिया है। कितनी जल्दी से मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं और बरसात गुजर जाती है। अपनी यादों से खेलों के यूं आया करें, नींद आती नहीं और रात गुजर जाती है। रेड राउट, खाता खुला जेडी अकेडमी का। बहुत ही बढ़िया भाई, भाई प्रहलाद भाई बड़ी गौर से देख रहे हैं इनका। जब इनकी पहले शादी हुई तो अपने छोटे भाई के लिए अपनी साली को कह रहे हैं, तो अपनी साली को शायरी के दायरे में क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहे जमाना, इस पर गौर मत करना, यूपी को यूपी ही रहने देना, लाहौर मत करना, तुम्हें पसंद कर लिया है मेरे भैया ने, तुम अपनी शादी कहीं और मत करना। शुरुआत है और यह आज का आखिरी मैच है। कल सुबह 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा, जितनी सवेरा हो जाएगा उतना ही बेहतर है। अगर आप 7 की बजाय 7:30 बजे करते हैं तो उतना ही देर लगेगी फिर दोपहर। आप देखते हैं आज ऊपर वाले ने पूरी तरह से आग का मुंह खोल रखा था ग्राउंड के ऊपर दोपहर, तो जितने ज्यादा मैच सवेरे हो जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा, फिर रात को दिक्कत नहीं होगी। कल थर्ड रेड वर्सेज, बहुत ही बढ़िया, सही जगह पर रीच कर तो बच गए थे के साथ, लेकिन जेडी अकेडमी की टीम में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो जरूर है, गुणवत्ता तो जरूर है और जेडी अकेडमी की तरफ से भी थर्ड रेडी है। उन्हें जरा सही बात कहनी पड़ती है, पता तो इन्हें भी होता है कि हमारी थर्ड रेड है। दो अढ़ाई में इन्हें भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बरवाला की टीम का अभी अभी खाता खुला, उससे पहले 3 अंक पहले ही जेडी अकेडमी ने बना रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आसमान से तो गिर गए थे पर खजूर में अटके बाद में, एक से तो बच गए थे पर दूसरे से नहीं बच पाए।
All remaining matches of first round will start from 7 a.m. on tomorrow. So, please mind the gap. Mind the gap in your mind. अपने दिमाग में इस बात को संग्रहित करके रखें कि कल सुबह 7 बजे से जितनी भी बची हुई टीमें हैं पहले राउंड के उनके मैच होंगे. थर्ड थर्ड नहीं है, अभी नहीं है. हाँ हाँ अब लिख रहे भाई, अपने आप हिसाब लगाने से नहीं बात बनेगी. यहाँ पर ओरिजिनल राइटिंग हो रही है थर्ड एड की. थर्ड रेड अब है. थर्ड रेड ये इसे कह सकते हैं थर्ड रेड. और अंकुश इस बार अंकुश लगा के नहीं रखेंगे, आगे बढ़ा के आने का इरादा है, पक्का है. लेकिन चक्रव्यूह में फंस गए थे. चक्रव्यूह तोड़ने का पता सिर्फ अभिमन्यु को था, वो अर्जुन को था, अभिमन्यु को नहीं था. नहीं भाई, यहां पर तो पानी सिर से ऊपर चला गया था, गलत जगह पर गलत फैसला लिया गया. थर्ड है भाई, इधर से थर्ड है होगी. बहुत बढ़िया, थर्ड एड होगी इधर से भी. अब इतना बड़ा लेवल हो गया तो फिर समझदारी से काम लेना शुरू करें. इधर सुपर टैकल ऑन भी है. लेकिन टीम में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी है, तालमेल का अभाव है, एक तड़े का एकाग्रता की कमी है. सुपर टैकल ऑन है भी, लेकिन यहां पर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया. अगर लोना लग जाता है तो बरवाला के बहुत देर खिलाफ चला जाएगा. आउट हुई टीम. एक तरफ नौ, एक तरफ दो, और एक पॉइंट और मिला है. डबल डिजिट में एंट्री कर लिया. बरसते मौसमों की सब निशानी चूस लेती है ये जून की गर्मी, सारा पानी चूस लेती है. मोहब्बत से जहां तक हो सके दामन बचा के रखे, ये वो दीमक है जो सारी जवानी चूस लेती है.
रेड का आदान प्रदान हो जरूर रहा है, लेकिन थर्ड रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है लेडी अकेडमी ने। थर्ड एड होगी भाई, इधर से बरवाला की जानिब से, बरवाला की तरफ से एक और पॉइंट मिलेगा जेडी अकेडमी में। पहले हाथ में ही उन्होंने थर्ड एड होगी इधर से भी। तेरा तीन हो गया भाई, पहले 12-3 थे लेकिन अब 13-3 हो गया। पहले हाफ की समाप्ति पर 13-3 और मवी कला वाली भाषा में 13-3। दो पॉइंट और मिल गए, यानी मैच को जेडी अकेडमी ने एक तरफा कर दिया है, पर हौसला कम ना करे बरवाला की टीम। लोना फॉर्मेट है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर यदारक जिंदगी में हार जा चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद यदारक। ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, अकेले से बात नहीं बनेगी, ये कबड्डी का खेल है, इसमें सबका सहयोग होना जरूरी है।
नहीं, ये आखिरी मैच है, कल सुबह 7 बजे से चलेंगे सभी मैच। दिस इज लास्ट मैच दैट यू आर वॉचिंग एंड फ्रॉम 7 AM ऑन टुमारो ऑल मैचेस विल स्टार्ट दैट आर रिमेन फ्रॉम फर्स्ट राउंड। पहले राउंड से जो बचे हुए मैच है वो कल सुबह 7 बजे से शुरू होंगे। खड़े होंगे इधर से भाई, बहुत बढ़िया। इस बार संयुक्त प्रयास से किया गया सफल प्रयास था ये। मैं साइकिल से देहरादून को जा सकता हूं, मई में मिला ना मौका तो जून को जा सकता हूं। तुम इसे भेजोगे मेरे साथ तो फिर बात ही क्या है, वरना मैं अकेला भी हनीमून को जा सकता हूं। कौन स्टूडेंट टाइम आउट है भाई बरवाला। स्कोर नौ 16 एंड एडवांटेज इसको बरकरार रखा है और कहीं पर भी जेडी एकेडमी की टीम पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दी। अब मैच अपने आखिरी पड़ाव पर है। सर से चादर और बदन से दवा ले गई, सर से चादर और बदन से दवा ले गई, फूल खुशबू चुरा कर हवा ले गई। मैंने परसों पढ़ा था हिंदुस्तान अखबार में कि एक बूढ़े को मम्मी कला में बुढ़िया भगा ले गई। दो अलाई होगी भाई दर्शन कितना बढ़िया। ये काम तो बहुत देर पहले होना था, फिर कोई बात नहीं, सुबह का भुला शाम को भरा गया तो उसे भुला बनी कहते। थर्ड रेड होगी इधर से। ये जो पहले एक्शन में जब रेडर अंदर गया था तब का काम था ये, फिर कोई बात नहीं, इन्होंने दूसरे एक्शन को पढ़ लिया पहले और सही जगह पर टैकल कर लिया। कबड्डी खेली उन्नीस जेडी अकेडमी और 9 बरवाला। बहुत बढ़िया, सही जगह पर जवाब नहीं। कल होगी कांटे की टक्कर, तभी ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जेडी अकेडमी की टीम ने 3 अंक अर्जित किए, टाइम आउट लिया। Yeah,
एक सिंगल पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, एक अंक ले जरूर गए हैं चौदह में से, तेरा तो फिर भी बचे, तेरा की लीड बच रही है। तेईस दस है स्कोर, तो तेरा की लीड है अभी। लास्ट फोर मिनट्स टू गो, बहुत बढ़िया। उम्मीदों की ये रस्सी धीरे धीरे जेडी अकेडमी के हाथों से, जेडी अकेडमी आज किसी और अंदाज में, कल किसी और अंदाज में होगी, बदली हुई दिखाई देगी। कल और भी ज्यादा रोमांचक मैच होंगे। जो कमजोर दिल के लोग हैं सुबह से ही अपनी दवा साथ लेके आए, एक पॉइंट ले गए। थर्ड रेड है भाई, और लगभग मिनट भी उतनी बचने वाली है, कुछ ही सेकंड में, लास्ट 3 मिनट, अंतिम आखिरी 3 मिनट ही बच रही है। लोग रेड नंबर भी 3 और मिनट भी 3, 2 पॉइंट ले जाने में सफल बरवाला के हाथों से। उम्मीद की ये रस्सी धीरे धीरे ढीली पड़ती हुई। ये जो मोबाइल चला रहे हैं ना भाई सामने, ये मोबाइल जेब में रख लें और मैच देखें। ये खत्म कर दिया फिर, इसकी मैं दौलत सारी ना लुटा देना, अरमान मां बाप के।